मनी ट्रेल शरत चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरत चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। अब मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी और डिटेल में इस बात को रखें। नमस्कार साथियों, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सब लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कोशिश कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये जांच जो है ये सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये डिटेल्स बाहर ना आए। मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि अरबिंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं का मतलब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है और एक दो नहीं 59.5 करोड़, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। सुनिए, नवंबर से पहले, नवंबर 2021 से पहले की बात बतानी जरूरी है क्योंकि नवंबर 2021 में यह पॉलिसी आई और इस पॉलिसी के अंदर ईडी का आरोप है कि शरत चंद्र रेड्डी और उनसे संबंधित कंपनियों को दिल्ली के अंदर 5 जोन मिले लिकर वेंट्स के। बहुत बड़ी बात है, ये एलिगेशन है। ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई, तो जब ये पॉलिसी चल रही थी उस दौरान, यानी कि 5 जनवरी 2022 को ये पॉलिसी उस वक्त रन कर रही थी, इनके पास 5 जोन थे। उस दौरान अरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और उसके कुछ दिनों में बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा लिए। अभी सबूत आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पैसा ले लिया है। उसके कुछ दिनों बाद जुलाई में अरबिंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के
बॉन्ड खरीदे। जुलाई 2022 में ही बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा लिए और बिंदो फार्मा का पैसा आ गया। अभी तक और बिंदो फार्मा के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नवंबर में। अब आपको मालूम ही है कि जुलाई के अंदर ये पॉलिसी 2022 में वापस आ गई, सरकार ने वो पॉलिसी वापस ले ली और ये बात होने लगी, सब जगह मुकदमे दर्ज होने लगे, सीबीआई के मुकदमे दर्ज हो गया कि ये जो कंपनियां हैं ये अब रडार में हैं, इनके ऊपर जांच चल रही है। अब आप सुनिए कि 9 नवंबर को 2022 ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बुलाती है। शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। अब सुनिए, ईडी की गिरफ्त में है शरद चंद्र रेड्डी, गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुए हैं, 15 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है। अब ये साफ है, आपके पास वो आदमी है, उसका डायरेक्टर आपके पास अंदर है जेल में, पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके पिताजी की कंपनी है, आपने 5 करोड़ रुपए उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड में ले ली। अब आगे सुनिए, ये भी इनकैश करा लिए गए। इसके बाद 6 जनवरी 2023, इस वक्त शरद चंद्र रेड्डी जेल में है, 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी जेल में है। शरद चंद्र रेड्डी से दोबारा से पूछा गया, चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंग पिन है, जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंग पिन बताया जा रहा था वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे, उनको किंग पिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये किंग पिन भी है और बेनिफिशियरी भी है, ये शरद चंद्र रेड्डी थे एक साल पहले। अब फिर जनवरी 2020 में जब इनकी बेल की सुनवाई शरद चंद्र रेड्डी की हो रही थी, अभी वो जेल में ही है, तो उन्होंने ईडी पे आरोप लगाया कि ईडी के लोग उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके उनसे झूठी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉयज को भी डराया धमकाया जा रहा है, ये हमारा नहीं, शरद चंद्र रेड्डी का अपनी बेल के अंदर स्टेटमेंट है कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कि जो ईडी कह रही है प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट मैं दूं। ये जनवरी 20 2023 की बात है। अब 6 महीने बीतते हैं, आदमी जेल के अंदर सड़ रहा है, करोड़पति बाप का बेटा, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक जेल में चक्की पीसिंग। अप्रैल आ गया, अप्रैल के अंदर अब आप देखिए क्या होता है, अप्रैल के अंदर करीब 6 महीने बाद शरद चंद्र रेड्डी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हां मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। 6 महीने बाद कई बार स्टेटमेंट देने के बाद ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद मई में ये मामला हाई कोर्ट जाता है। अब उन्होंने जो ईडी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कहने के लिए, जो कि उन्होंने ही बताया, वो उन्होंने आखिरकार कह दिया, उन्होंने ये बात आखिरकार कह दी अप्रैल 2023 में। अब मई आ गया, मई में उनकी एप्लीकेशन अब हाई कोर्ट के अंदर लगी कि मेरी पीठ में बहुत दर्द चल रहा है। ईडी ने कहा हाँ साहब इनके पीठ में बहुत दर्द है, लिहाजा इनको बेल दे दी जाए। पीठ में दर्द पे हमारे यहाँ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, ईडी ने बेल दे दी। मिलती है किसी को पीठ में दर्द पे ऑफिस से छुट्टी? आप सब कैमरामैन हैं, सब लोग हैं पत्रकार, यहां पे कौन एडिटर देता होगा। ईडी ने इनको बेल दे दी 8 मई 2023 को, और जैसे ही बेल मिली पंछी आजाद हुआ। 2 जून 2023 को कहा गया सरकारी गवाह बने शरद चंद्र रेड्डी, मतलब सरकार की शरण में आ गए। अब जब शरण में आ गए तो जैसे जो भी शरण में आता है फिर वो प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, फिर आप प्रसाद की कहानी सुनिए। जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू, 3 कंपनी जिनके नाम आतिशी ने बताए, पहली कंपनी अरबिंदो फार्मा,
अरविंदो फार्मा और उसकी दो सब्सिडियरी से 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 50 करोड़ रुपया, छोटा मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपए डाल गया प्लीज ले लो। 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से लिए। अब क्या हुआ, ये तो क्योंकि छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था किससे कौन क्या ले रहा है, किसी को बताना नहीं था। कानून बना दिया था देश में कि कौन सी कंपनी किससे पैसा ले रही है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है, ये कानून है देश का कि किसी को नहीं बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को डिसाइड किया और आर्म ट्विस्ट करके हाथ मरोड़ के केंद्र सरकार की ये लिस्ट जो है डलवाई। ये लिस्ट डलती है 21 मार्च 2024 परसों शाम को 6:30 बजे 7 बजे ईडी अरविंद केजरीवाल जी के घर में, 9 बजे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार। ये चल रहा है आज इस देश के अंदर। क्यों चल रहा है ये सब समझते हैं, क्योंकि कल 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही ये पाठ हमें इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं मीडिया वालों को कि अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाए तो वो भी आरोपी बनती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही सारे के सारे जो है प्रवक्ता हमें एक साल से समझा रहे हैं, संबित पात्रा जी, वो जो है भाटिया जी, एडवोकेट साहब, स्मृति ईरानी जी, तो अब आतिशी जी ने बता दिया 59.5 करोड़ रुपया इन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पढ़ा है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है। जिसमें 55 करोड़ रुपया वो है जब वो आरोपी बन गया था, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को पता चल गया था और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, उसके बाद भी इन्होंने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिया। तो जैसा कि आतिशी जी ने कहा, इस मामले में क्योंकि मनी ट्रेल सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इसी केस में आरोपी बनाना चाहिए। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, क्या कहा है कि भाई जिस पार्टी को फायदा मिला उसके ये कन्वीनर है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला उसके कन्वीनर कौन है आप जानते हैं, उनको भी भाई ईडी जो है उनकी भी सेवा करे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की नहीं। तो ईडी से ये है कि ईडी जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, उनसे पूछताछ करे, और अगर पूछताछ में वो सहयोग नहीं करते तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाया जाए।